हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए देखते हैं कि आज की जॉब अपडेट क्या है। आज की जो जॉब अपडेट आ रही है वो भारत संचार निगम लिमिटेड से आ रही है, BSNL से, जहां पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है बीटेक और डिप्लोमा के बच्चों के लिए। ये ध्यान देना है आपको। अब नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है, जो कि डिफरेंट सर्कल्स में है, चाहे शिमला की बात करें, धर्मशाला की बात करें, सोलन की बात करें, हमीरपुर की बात करें, मंडी की बात करें, 8, 6, 5, 5, 6 वैकेंसी है। यानी टोटल जो वैकेंसी दी है वो 30 वैकेंसी है। ग्रेजुएट इंजीनियर्स मांग रखा है, या तो आप ग्रेजुएट्स हों, किसी भी BA, BSc, BCom भी हैं तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज हैं उसमें डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है कि डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो भी एप्लीकेशन आपको फिलअप करना है, आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो आपने जो डिग्री हासिल की है वो 1/4/2019 के बाद की होनी चाहिए, उसके पहले की नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए आपकी 25 ईयर होनी चाहिए, 25 ईयर, वो भी कब, 31 जुलाई 2022 को। जो सिलेक्शन मोड है, सिलेक्शन आपका स्किल टेस्ट या इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जा सकता है, बट जो सिलेक्शन अभी तक इन्होंने दिया है वो मार्क्स बेसिस पे दिया है कि आपने लास्ट जो क्वालिफिकेशन किया है उसके मार्क्स आपके कितने हैं, उसके आधार पे सिलेक्शन होगा। लेकिन स्किल टेस्ट या इंटरव्यू भी कराया जा सकता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब अगर बात करते हैं कि यहाँ पे और डिटेल्स क्या हमारे लिए रिक्वायर्ड है, तो स्टाइपेंड की अगर बात करें तो स्टाइपेंड के लिए साफ साफ इन्होंने लिखा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री जो बोलती है वो स्टाइपेंड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ये साफ साफ BSNL ने लिख रखा है। अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो पता ही हो गया है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख दिया गया है, इसका मतलब कोई भी एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले MHRD nets.gov.in पे चले जाइए, वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड करना है अपने आप को। 31 जुलाई 2022 के पहले आपको रजिस्टर्ड कर देना है। यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है कि आपके शिमला BO ऑफिस का, धर्मशाला, यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई जनरली इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है या आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है तो वहाँ से फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमने बताया कि आपको MHRD की वेबसाइट पे जाना है, MHRD nets.gov.in पे आप जाएंगे। यहाँ के बाद इन्होंने दिया है कि इनरोलमेंट इज नॉट इनरोल्ड या ऑलरेडी इनरोल्ड, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा। तो आप नए यूज़र हैं तो इनरोल्ड, इफ नॉट इनरोल्ड यहाँ पे दिया है तो इनरोल करने के पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोर्टल खुल जाएगा, तो वहाँ पे आप अपना लॉगिन बना लीजिएगा। लॉगिन बनाने के बाद यहाँ फाइंड एस्टेब्लिश सेक्शन आएगा, एस्टेब्लिशमेंट, फिर वहाँ पे आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है। आपको क्या करना है, अपना रिज्यूम अपलोड करना है। उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नेम आएगा, किस एस्टेब्लिशमेंट नेम पे आपको क्लिक करना है, तो वहाँ पे आपको डालना है भारत संचार निगम लिमिटेड शिमला HP टेलीकॉम सर्किल, ये आपको डालना है। फिर उसके बाद प्रेस सर्च बटन करेंगे और उसके बाद आ जाएगा अप्लाई बटन, अगेन क्लिक करेंगे आप। तो इस तरीके का प्रोसेस है, जो प्रोसेस आप डैशबोर्ड नॉर्मली चलाना है, इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि टेक्निकली कुछ करना है, केवल डैशबोर्ड पे जाके जो भी प्रोसेस मांगेगा आप पढ़ के क्लिक करते जाइएगा और उसको फिलअप कर दीजिएगा, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा। इससे कोई भी डिटेल हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पूरी PDF मिलेगी और सारी सरकारी नौकरी की जानकारी एक एक करके आपको लगातार मिलती रहती है। तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें। और अगर आप तैयारी करते हैं टेक्निकल या नॉन टेक्निकल की, तो हमारा जेनिक लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं जहाँ से आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और लगातार जानते रहिए नई नई सरकारी नौकरी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।